हो गई सब सारे हाथ देखता है। गाड़ी जगह बनाएगा बहुत बड़े इसके लिए और घर में थोड़ी घुसेगा गाड़ी लेके। लाखों लोग जाते हैं जिस थोड़े ऐसा की आपकी दिवाली दिवाली का मतलब ये है कि कोई भी दिवाली हर दिन दिवाली अगर आप अच्छा काम करो शानदार जानना कर रहे तो हर दिन दिवाली है मेरे भाई। अगर किसी प्यारे को मुस्कान लेके आ रहे हो आप वो करो तो दिवाली है हर दिन दिवाली होती है दोस्तों। तो ये पैड है कितने बजे ये अभी जो है बच्चों ने ये बच्चे के लिए भाई कैसे चल रहे ठीक है इसने यार इतने बच्चे दिए हैं देखो दोस्तों यार ये ना ये देखो इतने कितने भाई एक दो तीन चार दो चार दो छह सात बच्चे दिए हैं पिल्ले सात पिल्ले दिए इसने यार। अब मैं ये देखो अभी इसने बच्चे कब दिए क्या दिए माँ है माँ की ममता सजीव चीज होती है दोस्तों ठीक है। कभी भी जिंदगी में ना आवारा पैर जो भी होता है इनसे प्यार करने की आदत डालो जिंदगी में। अगर आप सही तरह पॉजिटिव काम करो तब तो आपकी दिवाली है बाकी आप दुनिया भर के सामान ला के अगर अपने बच्चों के बीच में दिवाली और धमधड़ा कर करो ना 10-15 हज़ार रुपये करो उसकी कोई वैल्यू नहीं कोई इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपके बॉडी में आपके शरीर में आपकी मानवता और इमोशनल होना बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर हमेशा याद रखना। दिवाली वही है अगर आपके संस्कार हैं पॉजिटिव सोच है आपका दिल इमोशनल है ना तो सब कुछ है ठीक है। अभी मैं इसका देखूंगा अभी ये तमाशा आपको दिखाई देगा ये बच्चे अभी यहीं पे रहेंगे तो अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अगर ये माँ के साथ लेके जाती है बच्चों को तो वेल एंड गुड है ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छह सात बच्चे दिए मैंने देखे कितने सात बच्चे दिए इसे कहते हैं आवारा बैठ जाए जिंदगी में ना इनका सपोर्ट करने की कोशिश क्या करो मानवता के नाते ठीक है। और अगर आप इसको पानी भी देते हैं खाने में कम से कम अगर आवारा बैठ होते इनको पानी दे दो या अपनी तरफ से कुछ कर लीजिए 2 मिनट 2-4 रुपए भी जेब से निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई जिंदगी में हमेशा याद रखना ठीक है। अगर इनका करोगे पानी तो दे सकते हो ना जो आवारा पैर होते हो पानी तो दे सकते हो या पानी अपने बच्चों के डाल दो इतना सब कुछ करते हो तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। मजे के बाद 6-7 दिन के लिए मैं बाहर गया था तो पतीला रखा था पूरा पतीले में मतलब एक बूंद पानी नहीं भाई ठीक है। तो अभी ये बच्चा दूध दिया बेचारे ने दूध दे रखा ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात बच्चे दे रखे भाई अभी यार ये भी बहुत बड़ा टेंशन दे दिया दिवाली पर तो दिवाली है दोस्तों ठीक है। तो दिवाली का मतलब वही होता है कोई अच्छा काम करो वही दिवाली है ठीक है। अपने बच्चों के साथ होगा कर दिया अंदा कुंदा कर दिया ड्राइवर बाजी कर दिया वो चेक कर दिया इसका कोई मतलब दिवाली का कोई मतलब नहीं होता ठीक है। तो अभी ये बच्चे सामने बच्चे दिए ये छोटे छोटे बच्चे दे रखे एक दो तीन चार पाँच छः सात बच्चे दे रखे ठीक है सात बच्चे दिए यार दोस्तों अभी करते हैं इनके बारे में कुछ सोचते हैं क्या होगा कैसे होगा। मेरा काम है दोस्तों मैं कम से कम 10-15 हज़ार रुपये इसमें खर्च करता हूँ 19 तक के डॉग मैंने दो दे रखे हैं ठीक है। कम से कम 15 हज़ार रुपये का मेरा इसमें है
इसके अलावा कितना खर्चा मुझे खुद पता नहीं कितना खर्चा, 15,000 तो मेरा डॉगी में खर्चा है, कितना 15,000, जिसमें से 6,000 तो मेरा यही डॉगियों को जाता है, जो 2,000 पैकेट और बिस्कुट हो गए, 6,000 का खर्चा मेरा यही है, बाकी जो 17-19 तक के डॉगी है ना वहाँ मिला के टोटल 15,000 का खर्चा मैं अभी एक से करता हूँ। आवारा कहाँ जाएंगे यार, ये आवारा है तो इसका मतलब इनको जीने का आगे रोड है, रोड किसी के बाप की नहीं है, ये गवर्नमेंट की रोड है, इसमें जानवर भी चल सकता है और इंसान भी चल सकता है, अगर आप कुछ दे नहीं सकते इनको मारने का हक नहीं है। मैंने बताया ना पहला कानून के अंदर 428 और 429 के अंतर्गत अगर डॉगी को मारते किसी ने वीडियो वायरल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के जज ने 10 रुपये से ज्यादा का रेट लगा तो सीधे 5 साल के लिए अंदर जाएगा, अगर वीडियो में दिख गया कि बंदा मार रहा तो सीधे 5 साल के लिए अंदर जाएगा, अगर 10 रुपये से कम का रेट लगाया डॉगी को मारते हो तो 2 साल की सजा क्लियर है, 2 और 5 साल की सजा है, इसमें प्रावधान है, क्लियर सजा है, बिल्कुल मलाई की तरह, अगर कोई वीडियो बना के डाल देता है और डॉगी मर जाता है अभी यार ये बड़ा कैंसल हो गया क्योंकि हमारे तो माहौल में यही चाहिए जिंदगी में यार, देखो अभी बेटा दूध पी लिया और पी ले, ले तो यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से 2,000 का खर्चा तो 10,000 कर सकता हूँ, 20,000 कर सकता हूँ, अपनी ओर से दूध दे सकता हूँ, बिस्कुट या मलाई दे सकता हूँ, इसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यार देखो मानो तक देखो सब अपने बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन अपने बच्चे को प्यार करना बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने बच्चे को ना जानवर सब प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों में जो इमोशनल टच इंसान ने लाना चाहिए वो सबसे बड़ी बात है, जिसका याद रखना। अभी मैं तमाशा देखूंगा, अभी वीडियो बंद करूंगा, ये यहीं रहेंगे कहीं नहीं जाएंगे, अगर ये कहीं जाएंगे ना इसका समाधान कहीं नहीं होने वाला, देखना अभी है, अभी देखते नहीं तो घर पे इसका कोई बंदोबस्त या तो छत पे कुछ करना पड़ेगा, अगर ये भा ले जाते हैं कोने में, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये भगाते हैं ना लोग, सवाल ये इसको पहले इसको भगाते हैं लोग, अब रहने की जगह कहाँ मिलेगी इसको है, क्योंकि इसके लिए आशियाना कहाँ मिलेगा भाई, लोगों ने घर बना दिया, जमीनें है नहीं, हर जगह लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, इनके लिए कभी कभी पुराने मकान हुआ करते थे, पुराने मकानों के अंदर ही छुप जाते थे, पुराने मकानों में भी लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, जमीन बची नहीं है, रोड तक घेर ली लोगों ने, ये कहाँ जाएंगे, अरे पक्का मर जाएंगे गाड़ी के, रोड घेर ली लोगों ने, अरे भाई क्या मर जाएंगे गाड़ी के, मैं वही कह रहा, लोगों ने रोड तक घेर लिया, मकान तो छोड़ो मकान के आगे इलाका भी लोगों ने घेर लिया है, ये कभी कभी पुराने मकानों खंडरों में रहते थे, अब खंडर टूटे खंडरों में भी माफिया ने कब्जा करके वहां मकान बनने शुरू हो गए हैं, तो इनके लिए ऐसे लोग कोई ठिकाना तो है नहीं, अभी जाएगा कहां है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अब इन बच्चों की जगह कहां होगी यार, ये बच्चे अरे गाड़ियों के नीचे दब जाएंगे यहां पक्का, इतने रोड में गाड़ी के नीचे दब क्या जाएंगे, मर ही जाएंगे, तो ये रात को ही इनकी रात काली हो जाएगी, अभी रात काली हो तो क्या होगा यार, सर से ये नहीं आ रहा दोस्त, तो कोई भी ऐसे यार कोई मिलता है ना, हम क्या करते हैं खाना दे सकते हैं, वो कर सकते हैं यार, अभी इसको है ये तो मेरे को अभी आने दे रही है क्योंकि परमानेंट है, क्योंकि टोटल यहाँ से लेकर 17-19 तक 15,000 रुपये मैं अभी गेट से दूध में लगाता हूँ, दूध और राशन में, और बाकी जो अलग करता हूँ वो अलग है, लेकिन 6,000 का खर्चा मेरा यहाँ पर है टोटल, तो मैं यहाँ पर देता हूँ, बाकी वहाँ देता हूँ, 15,000 का मेरा सिर्फ दूध और बिस्कुट में 17-19 तक जाता है, वो कहाँ से आता है ऊपर वाले की में कैसे जा रहा है नहीं पता, लेकिन होता है देखो मानव कहीं आते हैं, अभी देखो ये हाथ कैसे लगाने दे रही है, इसलिए मेरे को हाथ लगाने दे रही है क्योंकि इसलिए हाथ लगाने दे रही है क्योंकि उनको पता है, ये भी समझ जाने तो बच्चा है सीधे काटेगा बच्चे पीछे जाओ, बच्चे में तो कभी बेटा किसी बच्चे है ना साथ में, अभी बच्चे के प्रोटेक्शन के चक्कर में घर वालों को नहीं पकड़ती, ठीक है, तो ये है, तो अभी आप दोस्तों ये माँ है देखो, नहीं वो फिर बेटा को पता है सपोर्ट में रखा है, ताकत नहीं लगाई होगी माँ का, मजा ही तो है और से बिल्कुल नहीं होगा उसमें, ठीक है, अभी पूरी मरे वो हटा देगी, लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब जाएंगे कहाँ ये रोड पे आज रात में मर जाएंगे, अभी इसके दिक्कत है इनको कहाँ उनको एस्टेब्लिश कहाँ किया जाए यार भाई, कहाँ होगा इसका जुगाड़ भी समझ में ये नहीं आ रहा, बड़ा टेंशन वाला काम देखिए, हैं बेटे बच्चे कहाँ रखे जाएंगे तेरे, हैं बेटे अब इसको खाना भी यही देना पड़ेगा, सब कुछ यही करना पड़ेगा, ये तो बड़ा है यार, बड़ा तो रखने पड़ेंगे नहीं जाएंगे गाड़ी में, अब इलाका भी तो सर, अब ये कोई ऐसी जगह कहाँ हो सकता है लैंडमार्क का, बताओ लैंडमार्क यही बनाना पड़ेगा सर, है ये जो है ना ये वाला, सुनो मेरी बात, कौन है मैं, सुनो इधर आओ, यहाँ पर लगाओ ईंट, इतने में लगाते हैं ईंट, इतनी ईंट लगाते हैं, ईंट से तो ईंट तो मेरे पास पड़ी, लेकिन थोड़ी ना ईंट से कोई दिक्कत नहीं कह रहा हूँ, ईंट तो हो जाएगा सपोर्ट में, लेकिन मैं कह रहा हूँ ईंट तो हम खरीद लेंगे यहाँ से, क्या ईंट तो मैं यहाँ से खरीद लूंगा, हाँ लेकिन यहीं से करना पड़ेगा ना, यहाँ तो हो जाएगा ना, यहाँ तो इसी के अंदर रहेगी ना, एक काम करते हैं नीचे नीचे बोरा हो जाएगा, अंदर है नीचे मैं जाएंगे तो फिर आएंगे, नीचे नीचे कोई दरी हो जाएगी और नीचे बॉडी वगैरह काट के कर सकते हैं, एक दो सर
लेकिन ईटे ऐसे नहीं कर रही कि गिरे वो, गिरेंगे तो मर जाएंगे। कुछ ऐसे करना पड़ेगा, बिठा के यू लगा के उसका बेस कर देंगे तो यहाँ पे जो है अपना रिश्ते बाहर आ जाएंगे, मर जाएंगे, करना पड़ेगा। दोस्त अभी एक काम करते भाई साहब, बोलेंगे तो बताएंगे वहाँ ईटे नहीं लगेंगे, कुछ जो ये बेस है ना इसमें से ईटे लगाएंगे नीचे से, यहाँ रख देते हैं ऐसे। तो दोस्तों अभी करते हैं इसका एग्जाम, अगर यहाँ परमिशन मिल जाती है मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पर रखने की परमिशन देते हैं ये लोग तो ठीक है, नहीं तो कॉलेज में कर देंगे। अच्छा यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे कॉलोनी में अगर यहाँ पे ना ये माल सही कह रहे हैं, नहीं ये गाड़ी रोड का पंगा भाई साहब, गाड़ी चलेगी ये बाहर आए ये दब जाएंगे मर जाएंगे। फिर है कोने में वो सामने खुशबू से डरते हैं, इसकी खुशबू नहीं दी है इनको, तो ये तो खुशबू ना ले भाई, ये तो बात बात की पा रही, इसकी आवाज सुन के ना ये हथियार ना निकल जाए, ये दिक्कत है इंसानों का जुड़ी है भाई, ये दिक्कत यही है। तभी तो कह रहा हूँ पहले तो खाना वहाँ दिक्कत था, उसके बाद खाना यहाँ रखा ना, चक्कर ये पड़ रहा सब थोड़ी दिक्कत यह है। एक काम करके कर सकते हैं वैसे, क्या ऊंचा कर दिया ना ईटे आगे से ऊंची जरा, और पीछे साइड में सेट कर दिया कहाँ पर, रोड में आएंगे भैया रोड में चक्कर, हाँ वहाँ पर हो सकते हैं बंदोबस्त करते हैं यार, बच्चों को देखते हैं क्योंकि अभी क्योंकि माँ है, खैर मैं तो दूध पिलाता हूँ इसलिए मेरे को हाथ लगाने दे रही है, पहले बच्चा हुआ है और कोई होता है फाड़ देती, ठीक है तो करते हैं वहाँ पे बेस बनाते हैं, दरी दरी वगैरह कुछ का इंतजाम करते हैं, वहीं पर ही क्या कर देंगे वहीं पर कर देंगे, ताकि बच्चा तकरीबन एक महीने का हो जाएगा तो फिर ये भागेंगे, अभी तो नहीं भाग सकते यार मर जाएंगे। ठीक है दोस्तों देखते भी लगाते हैं और उसके बाद होता है, ठीक है देखो जय हिंद दोस्तों, बंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों कोई पॉजिटिव काम करो, शानदार करो, जानदार करो, मानव तो के नाते अगर आप अच्छा काम करो, हर रोज दिवाली है, हर रोज दिवाली है, दिवाली से कोई मतलब नहीं है, दिवाली ये वाली कुछ नहीं होता है, अगर आप इंसानियत नहीं है कुछ नहीं है ना, कोई दिवाली नहीं, कोई पटाखे नहीं, कोई माला नहीं, कोई पकवान नहीं, अगर इंसानियत है मानव तो आपके दिल में वो टच है ना, तब दिवाली है, वो हर रोज दिवाली है, यानी दिवाली है करके पटाखे फोड़ के 2000 के मैंने एटीट्यूड, इससे कुछ नहीं होता है सर, कब से है वो सबसे बढ़िया हो गया। तो दोस्तों अब इसका घर का जुगाड़ करते हैं, उसका देखते हैं हमारे अंदर हो जाएगा, जो है तकरीबन हो जाए क्योंकि एक महीने तक का किरदार रहना पता है कि बड़े हो जाए, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों क्या करते हैं, जय दोस्तों, बंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा उठा रहे हमारे।